वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की फ्रेश वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन के किसी भी वीडियो या फोटो को लाइव वॉलपेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास है आईफोन XR और जिसमें हमें लाइव वॉलपेपर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं एक बार आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं हमें वॉलपेपर के ऑप्शन में कोई भी लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट स्टिल इसमें हम लाइव वॉलपेपर यूज़ करने वाले। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनटू लाइव एप्लीकेशन का, जो कि ऐप स्टोर पर बिल्कुल फ्री है। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं, इसका यूआई कुछ इस तरह का है। इसमें आपको वीडियो, जिफ, फोटो, लाइव फोटो, बर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप किसी भी वीडियो, फोटो, जिफ फाइल को एज अ लाइव वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं फ़िलहाल अभी इस वीडियो को जो है एज अ वॉलपेपर बनाता हूँ। आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ से कैनवास चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे देख सकते हैं आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। बैक चलते हैं, बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ से कोई बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फिल्टर मिल जाते हैं। डिफरेंट फिल्टर आप लगा सकते हैं, जैसे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फिल्टर। और यहाँ से आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं स्पीड भी चेंज कर सकते हैं आप किसी भी वीडियो को यहाँ से। और आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं रोटेट फ्लिप के। तो उसके बाद सिंपली आपको मेक पे टैप करना होगा, नो रिपीट, क्योंकि यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, रिपीट 2 times, 3 times, 5 times, ये प्रो फीचर्स हैं, ये आपको ऐप परचेज करने के बाद ही मिलेंगे। तो नो रिपीट में भी हमारा काम चल जाएगा, तो हम नो रिपीट करते हैं। प्रिपेयरिंग हो रही है, प्रिपेयर हो गया है, सेव लाइव फोटो कर देते हैं। चलते हैं गैलरी में। तो जैसा देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है लाइव वॉलपेपर में जो है कन्वर्ट हो गई है। इसको हम यहाँ पे सेटिंग में जाके यूज़ एज लाइव वॉलपेपर करते हैं और यहाँ पे हम होल्ड करते हैं। तो जैसा देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है लाइव फोटो में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम यहाँ से लॉक स्क्रीन पे जो है सेट कर देते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने फ़ोन को लॉक कर दिया है, जैसे इसमें यहाँ पर होल्ड करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा लाइव वॉलपेपर एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो आप ऐसे ही आप किसी भी फ़ोटो को भी जो है चेंज कर सकते हैं लाइव वॉलपेपर में। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं उसको। चलते हैं ऐप में वापस, यहाँ से इसको करते हैं कैंसिल। और कोई भी आप अपनी पसंद की फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में चलते हैं, मैं ये 4 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट किया, यहाँ पर आपको वही ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेक पे टैप करेंगे, जैसे नो रिपीट, और यहाँ से सेव लाइव फ़ोटो कर देते हैं। चलते हैं गैलरी में, फ़ोटो सेव हो गई है जैसा देख सकते हैं। मैं होल्ड कर रहा हूँ तो वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं। तो सिंपली जैसे हमने पहले किया था, यूज एज वॉलपेपर, लाइव फ़ोटो ऑन, जैसा देख सकते हैं अभी भी चेंज हो रहा है। इसको सेट कर देते हैं एज लॉक स्क्रीन, चेक करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं फ़ोटो चेंज हो रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस ऐप का। तो अगर आप किसी भी आप फ़ोटो को, जिफ को जो है चेंज कर सकते हैं अपना लाइव वॉलपेपर में। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।